नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मैं और मेरी दुनिया में स्वागत है। अचानक कोई गेस्ट आ जाए और सब्जी नहीं है, क्या बनाए? तो बनाए ये ढाबा स्टाइल यानी रेस्टोरेंट स्टाइल चटपटी फटाफट बनने वाली आलू की सब्जी। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन का बटन जरूर क्लिक करें ताकि जो भी वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और तो यहाँ आलू की सब्जी के लिए आलू ली है, प्याज लिया है कटोरी, साथ में दही ले रही हूँ, लहसुन ले रही हूँ, अदरक, हरी मिर्च और लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च ले रही हूँ। और अब हम क्या करेंगे, आलू को छीलेंगे। तो जैसे मैं बता रही थी कि अचानक कोई मेहमान आ जाते हैं और हमारे घर पे कोई सब्जी नहीं होती है और टाइम भी कम होता है, तो फटाफट में आपको अच्छी सब्जी बनानी है तो ये बनाइए। 10 मिनट में आपकी रोटी और सब्जी और सब तैयार हो जाएगी और बिल्कुल ढाबा या रेस्टोरेंट जैसे स्टाइल में चटपटी इतनी बढ़िया सब्जी बनती है कि सब जो मेहमान में हैं वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो इसके लिए मैंने आलू लिए हैं, आलू को आप काट लें और इसको जो ये जो पानी है इसमें मैंने नमक भी डाल के रखा था जिसमें आलू डाल रही हूँ। आलू को आप इसमें पानी में डाल दीजिए तो काले पड़ जाते हैं। और इनको आलू को अब मैंने छन्नी में डाल के धो दिया, अच्छे से धो दे, फिर उसके बाद एक बॉल में ले लें। और इस बॉल में लेके बेसिकली हम अब इसको थोड़ा सा मैरिनेट करने वाले हैं। तो यहाँ मैंने दही लिया है, दही डाल दें और दही डाल के इसको अच्छे से मिला लें। बेसिकली हम इसको मैरिनेट कर रहे हैं, ध्यान रहे खट्टा दही यूज़ में नहीं लेना है, खट्टा दही होगा तो सब्ज़ी अच्छी नहीं बनेगी, तो इसलिए खट्टा दही यूज़ नहीं लेना है हमें। और अब इसमें मैं मसाले डाल रही हूँ। यहाँ मैंने एक टीस्पून लाल मिर्च डाल दिए, साथ में आधा टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है और डाल रही हूँ एक टीस्पून मैं धनिया पाउडर और डेढ़ टीस्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया। नमक डाल के इसको अच्छे से मिला लें ताकि सारे जो मसाले हैं ये अच्छे से आलू में लिपट जाए और आलू भी इन मसालों को एब्जॉर्ब कर लें। इसमें मैंने एक टीस्पून करीब इसमें मैंने तेल भी डाल दिया। तेल डालने के बाद भी इसको मिला लें और इसको 4-5 मिनट हमको छोड़ना है जब तक ये हम दूसरी तैयारी करते हैं। मैंने इस बीच आटा गूंद लिया था और अब मैंने यहाँ पे एक कुकर रखा है, कुकर में तेल डाल दिया है क्योंकि हम रेस्टोरेंट स्टाइल यानी ढाबे स्टाइल बना रहे हैं सब्जी, तो तेल ज़्यादा डालें। साथ में अब इसमें एक टीस्पून जीरा, एक टीस्पून राई डाल दी है। जैसे मैंने बोला आपको थोड़ा तेल अच्छा डालें क्योंकि आपको अगर रेस्टोरेंट स्टाइल की चाहिए तो तेल अच्छा होना चाहिए। और साथ में मैंने यहाँ जीरा राई को तड़कने दें और फिर हम डालेंगे इसमें आधी टीस्पून हींग का पाउडर और साथ में यहाँ दो मैंने साबुत लाल मिर्च ली थी उसको टुकड़े करके डाल दिया है। और अब एक कटोरी प्याज यानी कि दो मीडियम साइज के प्याज थे उनको बारीक काट के वो डाल दिया और इनको हम भूनेंगे 1-2 मिनट। तो ये देखिए कितना बढ़िया सा दिख रहा है। तो ये सब्जी जो बता रही बहुत टेस्टी बनती है और फटाफट भी तैयार हो जाती है। कभी आपके पास समय नहीं हो तो ये वाली सब्जी बनाएं, फटाफट बन जाएगी और घर वालों को पता भी नहीं लगेगा जल्दीबाजी में सब्जी बनाई है। और यहाँ मैंने एक टीस्पून मैंने लहसुन डाल दिया ग्रेटेड और डेढ़ टीस्पून के करीब मैंने अदरक डाला है, अदरक को भी मैंने ग्रेट करके डाल दिया है और इसको अच्छे से मिला लें। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो लहसुन को स्किप कर सकते हैं और अगर आपको प्याज के साथ नहीं खानी तो प्याज को भी स्किप कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने दो हरी मिर्च थी छोटी सी उनको काट के डाल दिया है और इनको अच्छे से मिला लें। जैसे मैंने बोला अगर आप प्याज नहीं खाते तो प्याज को और लहसुन को हटा के भी बना सकते हैं। तो अब मैंने जो हमने मैरिनेट करके जो हमने आलू रखे थे उसको डाल दें इसमें अच्छे तरह से। और जब अगर आप लहसुन और प्याज नहीं खाते तो बस सब तड़के में सब चीज़ें लगा के और ये मैरिनेट किया हुआ आलू डाल के हिला लें इसको अच्छे से। तो ये देखिए फर्स्ट क्लास मिल गया है। और अब हम थोड़े मसाले डालेंगे। यहाँ मैंने एक टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ा सा नमक और यहाँ एक टेबलस्पून के करीब भर के मैंने यहाँ डाला है सब्जी मसाला। इसको सबको मिक्स कर लें क्योंकि मैं अपनी सब्जियों में गर्म मसाला नहीं डालती हूँ, इसलिए मैंने सब्जी मसाला डाल दिया है। और अब ये देखिए हमारे इसमें अच्छे से बॉयल आ गए हैं। तो अब हम इसमें जो हमारा जो बॉल था जिसमें हमने मैरिनेट करके आलू रखे थे उसमें मैंने आधा कटोरी पानी डाल के इसमें मिला लिया है। और अब हम इसको कुकर का ढक्कन बंद करके इसको 3 सीटी देंगे जब तक हमारा ये कुक होगा। तो आप जब तक ये बनता है तो चलिए हम पराठे बनाते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना आपको 10 मिनट में हमारा खाना बनके तैयार हो जाएगा। और ये मैंने आटा गूंद के रखा था, अब मैं यहाँ लच्छा पराठा बना रही हूँ इसलिए थोड़ा मोटा बना रही हूँ। यहाँ मैंने इसमें लच्छे पराठा एक
रोटी बेल के उसमें मैंने घी लगा दिया, ऊपर से मैं आटा भरूक रही हूँ और फिर इसको अच्छे से फैला के और साइड से काट के और फिर बनाएं। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ लच्छा परांठे के लिए आप घी लगाएं, उससे क्या होता है परतें चिपकती नहीं है, परतें अच्छी बनती हैं, और अगर आप आटा डालते हैं तो उससे जो परतें हैं वो आपस में चिपकती नहीं है, इसलिए आटा और घी अच्छे से लगाएं और फिर इनको अच्छे से करके और पराठा बना दें। तो ये 10 मिनट में सब्जी और पराठा और चावल सब तैयार हो जाते हैं। अगर आपके मेहमान आते हैं तो आप फटाफट बना सकते हैं। और इसको देखिए मैंने इसमें रख दिया, इसको पराठे को पहले एक बार सेक लें दोनों तरफ से और फिर घी या तेल जो भी लगाना है वो लगाएं। मैं यहाँ घी लगा रही हूँ, आप चाहें तो तेल भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए हमारा पराठा भी सेक के कितना बढ़िया दिख रहा था। और ये इनको दोनों तरफ से अच्छे से सेक लें, बहुत बढ़िया परतें बनती है और बहुत बढ़िया पराठा बनता है। और देखिए बन के तैयार है लच्छा पराठा हमारा। तो लीजिए इसको प्लेट में रखते हैं और यहाँ हमारी सब्जी भी तैयार हो गई थी तो अब उसको भी खोलते हैं। तो ये हमारी इस समय अगर आप लोग गरम मसाला खाते हैं तो गरम मसाला डाल सकते हैं, मैं नहीं खाती इसलिए मैंने नहीं डाला है। और इसको आप एक बॉल में निकाल दें, देखिए कितने बढ़िया दिख रही है सब्जी। और यहाँ मेरे पास सूखा पुदीना था वो मैं डाल रही हूँ, आपके पास नहीं हो तो आप धनिया डाल दिए, पर सूखा पुदीना से क्या इस सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये देखिए कितने बढ़िया सब्जी तैयार है। तो मैंने कहा ना अगर मेहमान आ जाए या आपके पास जल्दी है या कुछ तो आप इसको झटपट तैयार कर सकते हैं घर पर रखे सामान से। आपके 10 मिनट में पराठा चावल ये सब्जी तैयार और खाने में भी उतनी अच्छी लगती है जिससे रेस्टोरेंट स्टाइल। और अगर आपको एक और टिप दे रही हूँ, अगर आपका शोरबा यानी रसा यानी करी पतली हो जाती है तो इसमें से 4-5 आलू एक कटोरी में लेके उसको मैश करके डाल दें। इससे क्या होगा जो आपकी जो शोरबा करी या आपका ये है रसा है वो पतला हो गया, वो गाढ़ा हो जाता। मेरा शोरबा ठीक था इसलिए मैंने इसमें नहीं डाला है। और चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम, अपना ध्यान रखिएगा, शब्बा खैर। जल्दी ही मिलती हूँ आपको अपने दूसरे वीडियो में अच्छी सी रेसिपी लेके। जब तक के लिए शब्बा खैर, बाय बाय, राम राम, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।